Coming to the definition, the meaning of certain definitions, what are these which we are going to talk about in this video? We are going to talk about infectivity, pathogenicity, virulence, case fatality, and little bit about what is communicability. Infectivity means total number of infection, total number of infected cases divided by total number of exposed people, means healthy people, exposed people. उनमें से कितनों को इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज इन्फेक्टिविटी. कमिंग टू पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु गेट द डिजीज आउट ऑफ द पीपल हु गेट इन हु आर इन्फेक्टेड. सो टोटल नंबर ऑफ डिजीज पीपल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल. सो द इन्फेक्टेड पीपल वॉज न्यूमरेटेड न्यूमरेटर इन इन्फेक्टिविटी, दैट हैज बिकम डिनोमिनेटर इन पैथोजेनिसिटी. कमिंग टू विरुलेंस, विरुलेंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिसीज एंड मोर्टैलिटी. रिमेंबर बोथ डिसीज एंड मोर्टैलिटी और डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिसीज पीपल. कितने डिसीज में से कितनों को सीवियर डिसीज हो गई है और कितने मर गए हैं. टोटल नंबर ऑफ सीवियर डिसीज प्लस टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन, दैट इज द विरुलेंस. कमिंग टू केस फैटेलिटी, केस फैटेलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेज ऑफ डेथ डिसीज, इट मीन्स केस फैटेलिटी रेट. ये दिखाता है कि अगर डिसीज हो गई है किसी पर्सन को तो उसमें से कितने चांस हैं कि उसको डेथ हो सकती है. कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है, कम्युनिकेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ डिसीज, एबिलिटी ऑफ अ डिसीज टू स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ ससेप्टेबल पर्सन. रिमेंबर ससेप्टेबल पर्सन, नॉट अनसेप्टेबल, नॉट द वन हु इज नॉट ससेप्टेबल. इन्फेक्टेड पर्सन से ससेप्टेबल पर्सन में डिसीज होने के क्या चांस है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबिलिटी ऑफ अ डिसीज.